हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वर्षा रेसिपी चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं लहसुन या पालक। तो आप इस तरह से काट के भी बना सकते हो या फिर बड़े बड़े पत्ते होते हैं इसी से भी आप कर सकते हो। अभी मैंने इस तरह से काट लिया है, तो अभी हम चलते हैं गैस की तरफ। अभी देखिए, मैंने ऑलरेडी पहले पानी रख दिया था, तो अभी गैस का फ्लेम करते हैं ऑफ और इसे हम डाल देते हैं। क्योंकि मैंने इसे एकदम महीन काट लिया है, तो इसे और डालने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ये ज़्यादा पक जाएगी। अभी इस तरह से हमने इसे डाल दिया है, ये देखिए। इस तरह से हम चला लेते हैं और आधा मिनट तक इसे कवर कर देते हैं। अभी देखिए, इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है, ये देखिए। तो इसे मैं पूरा पानी निकाल देती हूँ इसका। अभी इसमें से हम इसमें थोड़ा डाल देते हैं और इसमें हम बचा के रखते हैं, इसे हम बाद में डालेंगे। अभी इसे हम मिक्सी में कर लेते हैं। अभी देखिए, इस तरह से हमने पेस्ट बना दिया। अभी हम चलते हैं गैस की तरफ। अभी हमने कढ़ाई रख दी है, तो इसमें डालते हैं ऑयल। साथ में डाल देते हैं जीरा। जीरा को हम अच्छे तरह से क्रैकर होने देते हैं। अभी जीरा हमारा हो गया है, तो मैं ये पत्ते वाला पैन डाल रही हूँ, मेरे पास था तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। इससे भी टेस्ट एकदम बढ़िया सी आती है। साथ में दो कटी हुई लाल मिर्च, ये देखिए, इसका स्वाद दुगुना बढ़ जाता है। इसके साथ हम डाल देते हैं हींग और इसे हम चला लेते हैं। अभी इसके साथ हम डाल देते हैं टमाटर। इसके साथ हम डाल देते हैं बेसन। दो टेबल स्पून जितना मैंने बेसन लिया है, तो इसे भी हम अच्छी तरह से इसमें पका लेते हैं। अभी तेल थोड़ा सा कम है, तो हम और थोड़ा डाल देते हैं और इसे हम पका लेते हैं। अभी देखिए, इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है और ये मैंने पत्ते वाला प्याज डाला है, तो इससे भी टेस्ट बढ़िया सी आएगी। और इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसमें डालते हैं थोड़ा सा हींग, थोड़ी सी हींग, सॉरी थोड़ा सा हल्दी, नमक, नमक संभाल के डालें क्योंकि पालक में भी नमक का फ्लेवर होता है। और इसे हम चला लेते हैं। अभी इस तरह से चला गया है, तो हमें जो बचा के रखी थी पालक, उसे हम पहले हम डाल देते हैं। ये देखिए, इसे हम अच्छी तरह से पहले मिक्स कर देंगे। अभी इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, तो जो हमने प्यूरी बनाई थी वो डाल देते हैं। इसमें थोड़ा पानी डाल के इसे निकाल लेते हैं। वापस इसे हम चला देते हैं, बढ़िया तरीके से हम मिक्स कर देंगे। इसे बनने में कोई देर नहीं लगती और मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी। अभी इसे हमने अच्छे से चला लिया है, तो इसमें डालते हैं थोड़ा गरम मसाला। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अभी फ्लेवर बढ़ाने के लिए हम डाल रहे हैं इसमें एक टेबल स्पून जितना दही।
और इसे भी हम चला लेते हैं एकदम बढ़िया सा। और इसे हम इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे। अभी इसे हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए एकदम बढ़िया सी हमारी रेडी हो गई है। तो इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इसे तड़का देंगे। अभी हम तड़का लगाते हैं। इसके लिए मैंने तड़के का पैन रख दिया है। तो इसमें डालते हैं घी। घी बटर तेल आपको जैसे भी तड़का देना है आप दे सकते हैं। इसमें डालेंगे छोटे कटे हुए लहसुन। साथ में मिर्च। अभी गैस को किया है बंद और ये देखिए हमने तड़का रेडी कर दिया है। अभी इस पर डालेंगे बढ़िया सा तड़का एकदम मस्त। इसे जब आप खाना हो तब आप इसे मिक्स करके सर्व कीजिए। ये देखिए हमारे मस्त रेसिपी रेडी हो गई है। लहसुन या पालक हमारे रेडी हो गई। तो इस तरह से बनाए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आए तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए और इस तरह से ज़रूर बनाए एकदम यम्मी सी रेसिपी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।